Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे आप सबने न्यूज़ में रिसेंटली सुना ही होगा कि ब्लू इकॉनमी टर्म जो है वो बार बार निकल के आ रहा है राइट right? और मैरीटाइम सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं वो चल रहे हैं 2022 में भी हमने ब्लू इकॉनमी के ऊपर एक सवाल देखा था यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर उससे पहले भी हमने सवाल देखा था और 2023 के अंदर भी आपको मेंस के अंदर भी सोमवर्ट ब्लू इकॉनमी की रेलिवेंस हेयर एंड देयर देखने को मिल रही है तो ये ब्लू इकॉनमी एज अ टॉपिक जो है ये इन दिनों हॉट टॉपिक चल रहा है राइट ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल अमृत काल विजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन सो बेसिकली बच्चे अमृत काल विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमारे पीएम ने लॉन्च किया था इन द्लोबल ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट जो कि मुंबई में हुआ था राइट So, एक सवाल तो सीधा सीधा यहीं से बनता है जो कि आपका इट विल बी डायरेक्ट इन नेचर की जो अमृत काल विजन 2047 है इट्स अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू विच वन ऑफ फॉलोइंग जिसके अंदर होगा एग्री रिफॉर्म्स मेरी रिफॉर्म्स है ना uh, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप की चीजें हैं है ना सोशल रिफॉर्म्स ये कुछ इस टाइप के आपको ऑप्शन देंगे सो so ये जो डॉक्यूमेंट है इट फोकस ऑन योर मेरी रिफॉर्म्स राइट right? हम आगे देखते हैं इसको उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैरिटाइम रिफॉर्म्स अगर हमने पढ़ने हैं तो हम इसको एक फेज मैनर में पढ़ेंगे आने वाले तीन मिनट के अंदर पहला फेज हमारा ये रहेगा कि मैरिटाइम में प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या दिक्कत है मेरिटाइम में क्यों हमें रिफॉर्म्स वहां पर चाहिए और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और जो हमारा सेकेंड फेज रहेगा वो रहेगा कि डॉक्यूमेंट उसको टैकल कैसे करता है तो आपकी एक ओवरऑल जो है तैयारी उसमें बढ़िया हो जाएगी जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट जो इसमें भी नहीं लिखा इज दैट की जो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ इंडिया ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो आपका सी से जाता है और इंडिया के पास में आपको पता है मोर देन सेवन थाउजेंड किलोमीटर की शोर लाइन भी है तो हमारे लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? और मुझे कमेंट्स में आप ये बताइए कि इंडिया में कितनी कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमारा जिसके साथ में हमारी सी लगती है जिसके पास में मेरी बॉर्डर है राइट right? वो मुझे प्लीज आप बताइए कि आपकी ये शोर लाइन किन किन स्टेट्स के पास में है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर गिव मी ए नंबर इन द कॉमेंट सेक्शन आइए बच्चे चैलेंजेस क्या है मैं आपको बहुत ब्रीफ में लेके चलूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ओशनिक गवर्नेंस जो है वो काफी वीक है हमारे पास कोई सेंट्रल लॉज नहीं है इसको लेके इतने स्ट्रॉन्ग है ना तो एक तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका ये वीक चल रहा है दूसरा इन्वायरमेंट एंगल से बात करें तो मरीन पोल्यूशन इज अ मेन कंसर्न राइट जिसके अंदर आपके प्लास्टिक डेबरीज एग्रीकल्चर रन ऑफ जो कि आपके यूट्रोफिकेशन करता है पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज जिसमें आपके हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो वहां पे डाल दिए जाते हैं और ये आपकी सारी इकोलॉजी uh, को जो है नुकसान पहुंचाता है इसके अलावा ऑयल स्पिल्स राइट एंड अदर थिंग्स तो ये मरीन पोल्यूशन में आ गया इसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स क्योंकि जब हमने पोर्ट्स बनाए थे उस वक्त हमने ये सोचा ही नहीं था कि इसके अंदर इतना ज्यादा ट्रेड होगा इतनी बड़ी वॉल्यूम में ट्रेड होगा राइट तो ये अब हमारे लिए कंसर्न का मैटर बन गया कि इसकी प्रोडक्टिविटी लो है इवन जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है कि कार्गो शिप कब लग रही है और कब वो टर्न अराउंड करके वापस हाई सी में निकल जा रही है उसके लिए राइट वो हमारा कंसिडरेबली हाई है जो वर्ल्ड लीडर्स हैं राइट उनसे आगे चलते हैं बच्चे यहां पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंटली हायर टर्न अराउंड टाइम जो कि हमारा है 62.16 टू आवर्स लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वर्ल्ड में दैट इज 8.16 पॉइंट आवर्स तो हम अभी काफी पीछे हैं तो ये हमारा कंसर्न है। लेट मी रिमाइंड यू हम कंसर्न पढ़ रहे हैं कि मैरीटाइम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए हमें राइट right? अभी हम उस एंगल पे हैं इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हमने देखा है कि हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं फॉर फॉर दैट मैटर पाकिस्तान और हमारी चाइनीज वैसल जो हमारे इंडियन ओशन में आती है तो यह हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट का काम करती है राइट तो यह बहुत यूनिक यु, चीज है मोस्टली कंट्रीज ये सब चीजें फेस नहीं करती हैं तो इसलिए भी हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है इसके अलावा आई यूयू बोलते हैं बच्चे इसको इन लीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग राइट तो यह भी एक कंसर्न है हमारे लिए कि अनगुलेटेड फिशिंग वहां पर हो रही है अगेन इकोलॉजी का नुकसान हो रहा है और हमारा जो इंडिया है इट लैक्स टेक्नोलॉजी है ना जैसे हम बोल रहे थे कि लो प्रोडक्टिविटी वो वो आपका पॉइंट जो है बच्चे यहाँ पे भी लिंक होता है अब हम आगे चलते हैं बच्चे की जो डॉक्यूमेंट है है ना जो आपका अमृत काल विजन 2047 डॉक्यूमेंट है ये किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने बोल रहा है और ये बच्चे बाय द वे आपका हाईलाइट भी बनेगा कि आपने जब इन चीजों को न्यूज में पढ़ना है या क्लासेज में ये चीजें आ रही हैं तो इन पर्टिकुलर चीजों पर अपना आइडिया आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये क्या कहने की बात हो रही है किस तरीके से होगा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन इट एम्स टू टू क्वाड्रुपल पोर्ट कैपेसिटी टन एम टी पी ए राइट तो ये चार गुना करने की बात कर रहे हैं पोर्ट कैपेसिटी को विजन डॉक्यूमेंट बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन का विजन डॉक्यूमेंट है बच्चे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है ना तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये बोल रहे हैं कि सारे पोर्ट्स को पीपीवी मॉडल पे ट्रांसफर करना है राइट right? तो डॉक्यूमेंट ये कह रहा है आपको तो ऐसी इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी कार्बन न्यूट्रेलिटी एट ऑल मेजर पोर्ट्स अटेनिंग दी हाइएस्ट रैंक इन क्रूज टूरिज्म हमारे पास क्योंकि शोर लाइन बहुत बड़ी है, है ना अगर हमने मान लो गुजरात से भी एक क्रूज निकाल के आप कलकत्ता में भी लगा रहे हैं तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से जनरेट कर सकते हो है ना इसके लिए ही ट्वेंटी फाइव क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे ये टूरिज्म का पॉइंट है बाई द वे है ना इसके अलावा ऑपरेशनल वाटरवेज दो गुना कर देंगे वाटरवेज को हमने दो गुना बढ़ा देना है टू फोल्ड उसके अंदर इंक्रीज करना है ग्लोबल पार्टनरशिप करने बच्चे इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स राइट right, क्योंकि इसको ना वो करना चाह रहे हैं कि हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स यहाँ पे बनाएं और सिंगापुर की मार्केट खा जाएं हम बेसिकली सिंगापुर की और आपके जो अरब कंट्रीज से आती है उन सब की मार्केट इंडिया में होनी चाहिए इसके अलावा सस्टेनेबल बनाना है इसको और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमने जो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of Current Affairs. Number three, weekly tests on Current Affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.